जय हिंद साथियों, बड़ी खुशखबरी, इंडियन नेवी का एक और रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। और खास और अच्छी बात तो दोस्तों यह है कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है, साथ ही अप्लाई भी होना शुरू हो चुका है। तो कब से लेकर कब तक अप्लाई कर पाएंगे, ऑल ओवर इंडिया ही रिक्रूटमेंट है। दसवीं पास वाले कैंडिडेटों के लिए बड़ा और अच्छा मौका यहाँ पर है कि वो इंडियन नेवी में भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली, क्योंकि इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट काफी लंबे समय से नहीं आ पाया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए काफी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर आ चुकी है। दोस्तों आगे आने वाले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, काफी बड़ा और अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ था दसवीं पास वालों के लिए, और इसके लिए दोस्तों फाइनल सिलेक्शन रिटर्न के बेसिस पे होगा। और रिटर्न की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड आ चुकी है। दोस्तों बहुत ही अच्छी गाइड है जो कि मार्केट में भी आपको उपलब्ध होगी, साथ ही आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो कि नवीनतम सिलेबस के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। सभी टॉपिक बारीकी से इस बुक में दर्शाया गया है। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का बीएसएफ ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस बुक भी आ चुका है, और दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिलने जा रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। तो दोनों ही बुक आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और अच्छी है, अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके भी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइट पे, और यहाँ पर आप डायरेक्टली हर रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले देख पाएंगे, चाहे आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, या कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा लेटेस्ट जॉब, और सबसे ऊपर आपको मिलेगा इंडियन नेवल कमांड रिक्रूटमेंट 2022, 127 पोस्टों पर यह फायरमैन का रिक्रूटमेंट आया, ऑल इंडिया ये रिक्रूटमेंट रहने वाला। और जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, और यहां पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे अलग अलग इस रिक्रूटमेंट के लिए, कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह सारी जानकारी भी डिटेल से देख सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें फायरमैन की 120 वैकेंसी है, वही फार्मिस्ट की 1 वैकेंसी और पैसी कंट्रोल वर्कर की 6 वैकेंसी है, टोटल 127 वैकेंसी है। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलने वाली, 18,000 से लेकर 92,300 रुपए तक आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर दसवीं पास होने चाहिए, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त ओर से अगर आपने दसवीं पास की, आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मिस्ट के लिए भी आप दसवीं पास होने चाहिए, साथ ही फार्मेसी का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप पेशी कंट्रोल वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी दसवीं पास यहां पर रखा गया। दोस्तों एज क्रिटेरिया की बात करें तो यहां पर मिनिमम जो आपकी एज रहेगी वो 18 साल रहेगी, और 56 साल तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा आयु में भी आपको छूट दी जा रही है, जो कैंडिडेट ओवर एज होने जा रहे हैं उन कैंडिडेटों को भी काफी अच्छा सुनहरा मौका यहां पर मिलने वाला है। और इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी अगर अपडेट की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यहां पर दिया जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में फाइनली सिलेक्शन यहां पर आप सभी का होने वाला है। तो काफी बड़ा और अच्छा मौका है दोस्तों, और खास और अच्छी बात यह भी है कि एप्लीकेशन फीस भी आपको लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए आपका अप्लाई है वो 26 फरवरी से शुरू हो चुका है, और 30 अप्रैल 2022 तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग आप देख लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। साथ ही अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात करें तो यहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहां से आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं जो दोस्तों ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन होते हैं, और उसके ऑफलाइन रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट का नोटिस साथ ही ऑफलाइन फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से दोस्तों किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी भी डिटेल से चेक कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।